ख्याल भी अपने जहन में मत लाना, मैं तुम्हें किसी और को कभी नहीं होने दूंगा। मेरा इतना सादतमंद बेटा फजूल सी लड़की के लिए चोट लिए बैठे। इसरा ने तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी के लिए आग की। इसरा की खामोशी किसी बड़े तूफान का पता दे रही है। इसरा से दस्तबरदारी मेरी मौत है और मैं इतनी जल्दी मरूंगा नहीं। शाहज़ेद मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत करो, मैं नहीं आ सकती बाहर। ठीक है, अगर तुम बाहर नहीं आ सकती मैं अंदर आ जाता हूँ। प्लीज तुम अंदर मत आना, कोई तमाशा क्रिएट मत करना। अच्छा तुम रुको, मैं आती हूँ बाहर। जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। शाहज़ेब क्या तरीका है? जल्दी से गाड़ी में बैठो, मुझे मम्मा से मिलवाने। मम्मा से मिलवाने इस वक्त? बाबा ने देख लिया ना, अगर तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। और अगर आज तुम मम्मा से नहीं मिली तो उससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शाहज़ेब, लड़की का नाम इसरा। लड़की का नाम है इसरा बकार। पापा, ये लड़की कौन है? शाहज़ेब, ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? इसका नाम इसरा है, आपको बताया तो था मैं। मोहब्बत करता हूँ उससे। शादी भी इसी से करूंगा। शाहज़ेब, ये इस मौके पर किस किस्म का मजाक कर रहे तुम? इस तमाशे में मेरा नाम लिखवा के मजाक तो आप कर रही हो। इस जैसी लड़की को जो इस बेशर्मी से तुम्हारा हाथ थामे यहाँ आ गई है, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे कबूल कर लूंगी? आपको इसे कबूल करना पड़ेगा। मैं आपने ही मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया। माफ करना शाहज़ेब, भले ही लड़की तुम्हें पसंद हो लेकिन शरीफ लड़कियों के ये तौर तरीके नहीं होते कि हाथ पकड़े चली आए। अरे मेरी निमरा के मुकाबले में खड़ी करने के लिए यही लड़की मिली थी? जाने किस खानदान की लड़की है, किस कमाश की है, पता भी है तुम्हें कुछ? क्या बात कर रही हैं आप? चुप रहो फरहत, इस तरह की लड़कियों को उनकी औकात याद दिलानी मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है। बोलो, मेरे शाहज़ेब की जिंदगी से निकलने की क्या कीमत लोगी तुम? इसरा के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसा ना हो कल को जब आपकी बहू बने तो अपने कहे पर आपको पछतावा। ये तुम्हारी भूल है, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे अपनी बहू की शक्ल में कबूल कर लूंगी? और इस गलत फहमी में भी ना रहिएगा, मैं किसी भी ऐसी लड़की से निकाह कर लूंगा। खामोश शाहज़ेब, मेरी बच्चों के बारे में कोई गलत बात करने से पहले सोच लेना। आपकी बेटी के बारे में बात करना चाहता ही नहीं हूं मैं। आप चाहें तो अपनी बेटी से पूछ लीजिए, मैं उससे बात नहीं करता। मम्मा ये इसरा है, मैं आपको
इसरा, इसरा, बात सुनो। तरह की लड़कियों को उनकी औकात याद दिलानी मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है। कठिन डगर है। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे अपनी बहू की शक्ल में कबूल कर लूंगी? मेरे शाजेब की जिंदगी से निकलने की क्या कीमत लोगी तुम? इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ। दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है। कह इश्क खुदा समझो नहीं के अफसाना इश्क है। जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। बाबा ने कहा था कि तुम्हें इजाजत नहीं है कहीं जाने की, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां से कदम बाहर रखने की? इसकी कोई गलती नहीं। कसूर मेरा है। मैं जबरदस्ती ले गया था। तो वो तू है जिसने मेरी बहन को बागी बना दिया? मैं और इसरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरी फैमिली बहुत जल्द आएगी इसका हाथ मार। इस खुश फैमिली में मत रहना कि इसकी शादी हम तेरे साथ कराएंगे। और अगर अपनी खैरियत चाहता है तो यहां से चुपचाप दफा हो जाओ। बर्दा मत हमार। आपको जो सुलूक करना है मेरे साथ करना है सर। इसका कोई कसूर नहीं है। मैं बहुत इज्जत से अपनाना चाहता हूँ। तुम्हें क्या पता कि इज्जत क्या होती है? गलती से भी अपने दिल में ये गुमान मत लाना कि मेरी बेटी तुम्हारी जिंदगी में कभी शामिल हो सकती है। सबको लेकर निकलो यहां से। लेकर आओ से। जाए इस
फायदा उठा लिया इसने हमारी मोहब्बत का, आज से इसकी सारी आजादी बंद। सबा ये घर से बाहर ना निकले, मरियम को बुलाओ जल्दी, ताकि इस लड़की को जल्द से जल्द इस घर से रुखसत करना चाहता हूं मैं। बस हो गई ना बात, इसके ऊपर मजीद मुझे कोई डिस्कशन नहीं करनी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने चाय पी ली। इसरा ने कुछ खाया? नहीं, कुछ भी नहीं खाया। मैं गई थी उसके पास तो मना कर दिया उसने। सबा ध्यान रखना उसका, और मेरी इजाजत के बगैर वो घर से बाहर ना निकले। जी। मरियम से बात की तुमने? नहीं, मरियम से कोई बात नहीं हुई। बेहतर है तुम उससे बात कर लो। मरियम से बात करते हुए दिल में एक अजीब सा खौफ है वकार। जो कुछ भी रात में हुआ है वो सब मरियम और हारिस की आंखों के सामने हुआ है। आपको लगता है कि ये सब कुछ देखने के बाद वो हमारी बेटी को कबूल करेगी? बात तो माकूल है तुम्हारी। बस इसीलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं मरियम से बात करूं। मुझे डर है कि कहीं खुदा ना खास्ता उसने मेरी तरबियत पे कोई बात कर दी तो मैं क्या जवाब दूंगी। जब औलाद माँ बाप को ऐसे दुराहे पर ला खड़ा करे जहां वालदैन को सब्र का कड़वा घूंट पीना पड़े, वहां लोगों की ऐसी बातें बर्दाश्त करना पड़ेंगी हमें। सबा ठीक कह रहे हैं आप। भाभी आए ना आप अंदर। थैंक यू। बैठे। नहीं, तुमने तो मुझे स्पेशल फील करवाए। मैंने सोचा मैं खुद तुम्हारे पास जाके तुम्हें स्पेशल फील करवा दूँ, एहसास दिला दूँ घर में नई भाभी आ गई है। इट्स ओके, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ किस फेज से गुजर रही हो तुम। नाश्ता नहीं किया तुमने? नहीं, वो भूख नहीं लग रही थी मुझे। ऐसे कैसे भूख नहीं लगेगी? खाना पीना छोड़ोगी तो मोहब्बत की जंग कैसे लड़ोगी तुम? चलो शाबाश, खाओ। वो बस चलो बाद में खा लेना। जब हीरो इतना दबंग हो तो तुम्हें भी थोड़ा बहुत बहादुर तो होना पड़ेगा। क्या कहा था उसने? हम आज से मेरे साथ जो सलूक करना है करें, लेकिन इसरा का इसमें कोई कसूर नहीं है। क्या बंदा है तुम्हारा, सारे इल्जाम उसने अपने सर पे ले लिया और तुम्हें बचा गया। हाँ, एक और भी बात कही थी उसने हम आज से कि क्या कहा था, ऐसा कोई अमल ना करें जिससे आपको अपने भिनोई से आंख मिलाने में मुश्किल हो। वो तो अपने आप को मात का भिनोई ही समझ बैठे। और तो और तुम्हारे बाबा को भी चैलेंज किया। एक भरम तो है बंदे में। तुम्हारे बाबा से कहते हैं कि मैं अपने अमल से पीछे नहीं हटूंगा, आपने जिसको बुलाना बुला लें। मुझे जिगर तो तुम्हारा भी बड़ा है, एक ही दिन में बाप और भाई की इज्जतों का कचरा कर डाला। यहाँ पे तो लड़कियां अपने बाप भाई की इज्जतों के लिए खुदकुशी कर लेती हैं और तुम्हें देखो, तुमने क्या किया? अपने ही भाई के वलीमे के दिन का इंतखाब किया, उनकी इज्जतों का जनाजा निकाल दिया। वहां तो तुम्हारे होने वाले शोहर भी थे, सोचो कैसे छुरियां जली होंगी उसके दिल पे।
आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? मैं क्यों इस तरह की बातें कर रही हूँ? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है इसलिए। जिस तरह से तुमने मेरी खुशियों को आग लगाई है ना, मैं भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं दूंगी। आग तो तुमने खुद ही लगाई है। हाँ, बस मैं कभी कभी उस पर पेट्रोल डालती रहूं। तुम्हारी वजह से जैसे रूखे सूखे अंदाज में मेरा इस्तकबाल हुआ ना इस घर में, भूलूंगी नहीं मैं, और ना ही तुम्हें बख्शूंगी अब। हेलो हेलो इसरा, तुम ठीक हो? मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन पिक किया कि आइंदा के बाद मुझे कोई कॉल मत करना। तुम्हारे कहने से मैं रुकूंगा नहीं, तुम जानती हो ये बात। खुद से ज्यादा फिक्र मुझे तुम्हारी रहती है। जितनी बेइज्जती तुमने मुझे अपने घर ले जाके करवाई है शाह से, उसके बाद तुम ये सब बातें करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। इसरा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर दो। मेरी बेइज्जती करवा के, मुझे मेरी फैमिली के सामने शर्मिंदा करके तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? तुम अपनी गलती का जाला करना चाहते हो। बहुत देर हो चुकी है शाहजे, तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत ने मुझे मेरी फैमिली के सामने कितना छोटा कर दिया है। तुम्हारी वजह से मेरे बाप और भाई का सर शर्मिंदगी से झुक गया है। तुमसे मोहब्बत करने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है कि मैं अपनी फैमिली के सामने एक तमाशा बन गई हूँ। इज्जत से बढ़ के मेरे लिए मोहब्बत नहीं है। तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। मैं कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं चाहा ये। नहीं शाहजी, अगर ऐसा होता तो तुम वो सब कुछ बिल्कुल ना करते। लेकिन मैं जो अब सब कुछ करूंगी ना, उससे देखने के लिए हौसला जरूर रखना। तुम जज्बाती हो रही हो। मैं मानता हूँ जो कुछ हुआ गलत हो, मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं तो बहुत इज्जत के साथ मम्मा को तुम्हारे घर अपना रिश्ता लेकर भेजना चाहता था। तुम्हारी मामा, तुम्हारी वो ही मामा ना जो तुम्हारी दुल्हन और काजी के साथ तुम्हारे निकाह के लिए इंतजार कर रही थी, वो लेकर आएंगी मेरा रिश्ता? मामा आएंगी, मैं उन्हें मना लूंगा, सिर्फ मुझे थोड़ा वक्त दे दो। बात सिर्फ तमाशा बनाने की नहीं है शाहजी। यार वो लड़की दुल्हन बनी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी तुमसे शादी करने के लिए। तुमने तो कभी भी मेरे इल्म में ये बात डाली नहीं। तुमने तो मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है शाहजी, तुमने मुझे चीट किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ इस तरह कर सकते हो। मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, तुम्हें अफसोस होगा इसलिए तुमसे छुपाई थी ये बात। ऑब्वियसली मैं बाद में जाके बता देता, लेकिन तुम्हें अफसोस ना हो इसलिए छुपाई ये बात। मैं भूल चुकी हूँ कि मेरा कभी तुमसे कोई रिश्ता था। स्टॉप। मुझे आइंदा के बाद कभी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। पागल हो गई क्या? हेलो, इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ। दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है। कह इश्क खुदा समझो नहीं के, अफसाना इश्क है। जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जा।
आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर। चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियाँ, सबक आमेज खेल या हो मजाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल की खबरें हो या हो ड्रामे और फिल्मों के रिव्यूज, अपने स्मार्टफोन से अभी डाउनलोड कीजिए ARY डिजिटल की ऐप और रखिए अपने आप को एंटरटेनमेंट की दुनिया से बाखबर। ARY डिजिटल पर आहे राज देखने और अपने पसंदीदा नए और पुराने ड्रामों से लुत्फंदोज होने के लिए अभी विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन एंटरटेनमेंट वेबसाइट www.arydigital.tv। इन सब के अलावा फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, ट्विटर हो या टिकटॉक, ARY बिखेर रहा है हर रंग खुशियों के।